भोजपुरी इंडस्ट्री पता ना भैया केकर नजर लागल बा केकर बदुआ बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल विवाद खत्म होके नामे नहीं खेल। कुछ दिन पहले आकांक्षा सुसाइड केस ओकरा बाद मुंबई में वो भोजपुरी एक्ट्रेस पर सेक्स रैकेट में आरोप लागल। कुछ दिन पहले वो भोजपुरी गायिका के गोली लाग गई और अब खबर ई आयल बा कि भोजपुरी गायक बाबुल बिहारी ने 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया है। ये पूरा मामला गुरुग्राम का है जिसे अभी भी कुछ लोग गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। पुलिस ने बाबुल बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनका ओरिजिनल नाम अभिषेक है जिन्हें लोग बाबुल बिहारी के नाम से जानते हैं। आरोप है कि आरोपी 2 साल पहले यहां के राजीव नगर इलाके में रहने के दौरान 13 साल की लड़की को बहलाता फुसलाता था। उससे दोस्ती करने के बाद उसे होटल के कमरे में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी तस्वीरें खींच ली और घटना के बाद से नाबालिग ने आरोपी से दूरी बना ली और उसके बारे में किसी को नहीं बताया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कुछ दिन पहले नाबालिग की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। उन तस्वीरों को देखने के बाद पीड़िता के परिवार ने लड़की से पूछताछ की जिसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद से लड़की के परिजन बुधवार को पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि पीड़िता से पूछताछ करने के बाद आरोपी के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर आरोपी को कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का विवादों से गहरा नाता है और कई बार मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। आए दिन हीरो हीरोइन हीरो वर्सेस हीरो के बीच विवाद देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले एक भोजपुरी एक्ट्रेस का MMS तक वायरल हो गया था और अब बाबुल बिहारी का भी एक नया मामला सामने आ गया है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं और क्या सोचते हैं?